ओके ओके ओके, ये देखो आपको नज़र आ रहा है पेबल की वॉच में इशू आ रहा है गाइज। देखो ये देखो, आई थिंक ये डिस्प्ले इशू है गाइज, में डिस्प्ले इशू है। वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेक कुक पे। आज हम दो कमाल की वॉचेस का कंपैरिजन करने वाले हैं, पेबल की कॉस्मोस वो है मेरे पास और यहाँ पे है फायरबोल्ट की एम्परर। बहुत सारे लोग मांग रहे थे कंपैरिजन, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हूबहू आइडेंटिकल दोनों ही वॉचेस लगती हैं, बट हल्का फुल्का बस डिज़ाइन का डिफरेंस है, वरना तो मतलब दोनों डिटो कॉपी हैं, मतलब एक दूसरे की आप कह सकते हो। यहाँ पे पीक ब्राइटनेस से लेके सब कुछ यहाँ पे सिमिलर ही मिलता है। डिस्प्ले में फ्लिकरनेस आपको देखने को मिलती है ऑन कैमरा यहाँ पे, ठीक है। 1.96 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी अच्छी है डिस्प्ले। और यहाँ पे रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिलता है पेबल की वॉच में, इस तरीके से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट हो जाती है डिस्प्ले, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे टॉर्च लाइट पर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स किसके बेटर हैं। दोनों के यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर ही मिलता है, ऐसा लगता है कि दोनों ही सेम कंपनी में बनी हुई है, मतलब सेम उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। उसी के साथ साथ अगर मैं साइड बाई साइड आपको दिखाऊँ यहाँ पर, मैं डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं आप सभी के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फायरबोल्ट की वॉच में एक एक्सेंट दिया गया इधर की साइड से, हल्का से ही उठा हुआ है। वैसे मेटल का एल्युमिनियम का केसिंग दोनों मिलता है यहाँ पे, उठाए उठाओ नहीं, एकदम प्लेन है। यहाँ पे पीछे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे पेबल की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे स्पीकर का वेंट है, यहाँ पे भी सेम जगह पे स्पीकर का, यहाँ पे एक माइक मिल जाता है, यहाँ पे दोनों एक वेंट है, यहाँ पे चार्जिंग पिन है, यहाँ पे एक माइक मिल जाता है। तो गाइस ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें मिलती हैं, देख सकते हो यहाँ पे साइड बाय साइड आप पता लगा सकते हो दोनों में से कौन सी अलग है कौन सी नहीं है। दोनों ही मेरे को ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लग रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। और फीचर्स के मामले अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। स्ट्रैप की क्वालिटी मैं नो डाउट कहूँगा यहाँ पे पेबल के बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं स्ट्रैप, मतलब बहुत ही बेटर लगे ये। इसमें कोई भी क्लैप्स का वो नहीं है झंझट, यहाँ पे ऐसा रखो यहाँ पे छुपी जाता है, बट यहाँ पे पूरा क्लैप दिया गया। फायरबोल्ट की स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है आपको, सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप का मिलता है। टेक्सचर दिया गया है जो कि एक कह सकते हो लेदर का फील भी देता है, बट साथ में उसी के साथ साथ रबराइज मटेरियल यूज़ किया गया है, ठीक है। बैक लास्टिक दोनों का ही देखने को मिल जाता है, दोनों में ही जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, मतलब 1.5 घंटे फुल चार्ज हो जाती है, यहाँ पे टैप करके उन पर पहुँच जाते हो। इस तरीके की कंपैरिजन को आप एंजॉय करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हो, बेल आइकन को भी ऑल कर दो। साथ में हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे डील आते रहते हैं, वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है, ठीक है। तो गाइस ज्वाइन करना मत भूलना हमारे चैनल को। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से स्वाइप करते हैं तो टॉगल मेन्यू मिल जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें मिलती है, सब कुछ आइडेंटिकल है, टॉर्च लाइट से लेके यहाँ पे कनेक्शन से लेके मीडिया कंट्रोल सब कुछ A to Z सिमिलर है। और यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन सेटिंग में अगर मैं जाता हूँ तो मेन्यू स्टाइल से लेके सब कुछ यहाँ पे 4x मेन्यू स्टाइल, डिस्प्ले का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, सब कुछ A to Z सिमिलर मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल दोनों में आपको कमाल की मिलती है, दोनों में ही आपको इक्वल मिलती है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन टाइम भी सिमिलर ही मिलता है, 30 सेकंड का मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम 5 सेकंड मिल जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाते हो तो मतलब डिस्प्ले तो दिखाई दिया मैंने आपको, बैटरी मिल जाता है यहाँ पे, वाइब्रेशन इंटेंसिटी आपको मिल जाता है सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी की बात करते हो यहाँ पे दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे, और इंटेंसिटी दोनों की कमाल की मिलती है। और डाउन बटन को कस्टमाइज दोनों में ही कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और सेट टाइम टाइम सेट कर सकते हो 12 घंटे का, 24 घंटे का। और पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन दोनों में देखने को मिल जाता है, सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, सिस्टम में रिस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट, ये सब चीज़ मिल जाती है। तो गाइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है गाइज, ये कह सकते हो पेबल ने कॉपी किया फायरबोल्ट टेम्परेचर का। राइट साइड में स्वाइप करके शॉर्टकट मिल जाते हैं सारे के सारे, यहाँ पे और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर ये। लेफ्ट साइड में आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है, दोनों ही स्मूथ है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे है कि नहीं, वैसे फिलहाल आई वॉच का मेन्यू ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मेन्यू मिल जाता है, इस तरीके से मिल जाता है इसमें भी। तो हम ओके, पेबल की वॉच में थोड़ा सा इशू आ रहा है देखो यहाँ पे। ओके ओके ओके, ये देखो आपको नज़र आ रहा है पेबल की वॉच में इशू आ रहा है गाइस। देखो ये देखो, आई थिंक ये डिस्प्ले इशू है गाइस, में डिस्प्ले इशू है, इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा गाइस, सीरियस इशू है गाइस। देखो मैं डबल टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, और फायरबोल्ट की वॉच में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है देखो, ठीक है। फायरबोल्ट की वॉच में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है देखो, बट इसमें अब ठीक हो गया। ये गैस पेबल की वॉच में थोड़ा सा इशू रहता है गैस, थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। वैसे फिलहाल तो अभी तो ठीक चल रही है, बट अभी दिक्कत आ गई थी मेरे ख्याल से, तो उस चीज़ में फायरबोल्ट का आप ट्रस्ट कर सकते हो। फायरबोल्ट की वॉच में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग है, ठीक है। टैप करके उन पे आते हो, यहाँ पे नीचे के साइड से मैसेज नोटिफिकेशन, लेफ्ट साइड राइट साइड सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। अब गए सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेलीफोन का ऑप्शन होता है, इसमें भी फोन का ऑप्शन होता है। यहाँ पे फायरबोल्ट की वॉच में टेलीफोन लिखा गया, यहाँ पे फोन का ऑप्शन लिखा गया, दैट्स इट। यही एक डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सेम कैटेगरी में काम करती है, और रेस्ट टू वेक भी प्रॉपरली काम करता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ, यहाँ पे रेस्ट टू वेक दोनों में ही, ठीक है। यहाँ पे
अब गाइस चेक करते हैं सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले कॉलिंग चेक कर लेते हैं, 198 पे कॉल करते हैं, यहाँ पे 198 पे कॉल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, इसको कंपैरिजन को जल्दी ख़त्म करूँगा। यहाँ पे लाउडनेस इतनी मिलती है और यहाँ पे अभी तक कॉल नहीं मिला है। ओके मिल गया इसमें भी, तो लाउडनेस यहाँ पे दोनों में ही बराबर ही है, डेफिनेटली यहाँ पे बराबर है। ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन दिया है, एज सच सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ठीक है। और अब गाइस यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन 10 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सेव कर सकते हो। कॉल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन मिलता है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, प्रॉपर्ली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, डाटा मिल जाता है, वर्कआउट मोड मिल जाता है यहाँ पे। तो वर्कआउट एक बार चेक कर लेते हैं, वॉकिंग चेक करते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं दोनों में से एक्यूरेसी किस में बेटर मिलती है। सो 50 स्टेप्स मैंने चले यहाँ पे दोनों में ही, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, यहाँ पे पेबल की वॉच में भी और यहाँ पे फायरबोल्ट की वॉच में भी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब गाइस आगे चेक करते हैं, यहाँ पे वर्कआउट रिकॉर्ड्स मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, हार्ट रेट और SpO2 का डेडिकेटेड सेंसर आपको मैं दिखाया था। यहाँ पे ग्रीन एक्शन चल रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन एक्शन का चल रहा है, ठीक है। और स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मिल जाता है यहाँ पे, दोनों में ही आपको डेडिकेटेड सेंसर मिलता है, रेड एक्शन का चल रहा है, यहाँ पे भी रेड एक्शन का चल रहा है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाता है, वेदर अपडेट्स मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, म्यूजिक प्लेयर का मिलता है ऑप्शन, म्यूजिक प्लेयर दोनों में कर सकते हो, सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ दोनों ही वॉचेस आती हैं। यहाँ पे जेन मोड नाम दिया गया, यहाँ पे ब्रीद रिलैक्स मोड मिल जाता है फायर की वॉच में। स्टॉप वॉच मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, अलार्म आप वॉच में इटसेल्फ नहीं लगा सकते, थ्रू द एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, और ये वाइब्रेट होता है, रिंग नहीं होगा, ध्यान रखना है। फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, कैलकुलेटर भी दोनों में देखने को मिल जाता है, इस तरीके से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, दोनों में ही सिमिलर मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हम होम पे चलते हैं, फिर हम चेक करेंगे। यहाँ पे कैलेंडर के बाद कैमरा मिल जाता है, सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे दोनों में से किसी में भी गेम्स नहीं मिलते हैं, ना ही स्टॉक मार्केट का कोई ऑप्शन मिलता है। अब एक काम करते हैं, हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ दोनों की एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं, किसकी बेटर किसकी नहीं है। सो गाइस दोनों ही लास्ट मीडियम रिस्क के लिए ठीक है, बट थिन रिस्क दोनों में से कोई सी भी बेटर नहीं लगेगी, ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑक्सीमीटर मैंने वेयर कर लिया है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं हार्ट रेट सबसे पहले, और यहाँ पे भी हार्ट रेट चेक कर लेते हैं कैसे क्या मिलता है। ऑक्सीमीटर में रिजल्ट आ चुका है, 96 दिखा रहा है, ओके यहाँ पे 99 दिखा रहा है, और इसमें आ चुका है 93, और यहाँ पे 75-73 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो फायरबोल्ट की वॉच अभी बहुत आगे है, और ये आपकी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखा रही है, 75-76, और यहाँ पे भी फायरबोल्ट की वॉच भी आप धीरे धीरे करके इक्वल आ रही है, ठीक है। तो हार्ट रेट आपका अच्छी तरीके से दोनों में ही काम कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। अब गाइस SpO2 चेक करते हैं, यहाँ पे SpO2 तो है नहीं, इसमें इधर की साइड ही ओपन करना पड़ेगा, इसमें भी आपको इधर की साइड से ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ठीक है। आइकन अलग अलग है, बट ऑलमोस्ट ओके, ब्लड प्रेशर मॉनिटर है बेसिकली, ये रहा सेम है यहाँ पे आइकन भी, तो गाइस ऑलमोस्ट कॉपी एक दूसरे की। यहाँ पे बताया था यहाँ पे बेटर कौन सी रिलाय करने वाली, तो फायरबोल्ट की वॉच है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले में कोई इशू नहीं है। मेरे इस यूनिट में पर्टिकुलर में शायद इशू आ गया है, जो पेबल की कॉस्मोस वोग है, इसको मैं रिप्लेस कराऊंगा, रिप्लेसमेंट यूनिट का मैं अनबॉक्सिंग जरूर लेके आऊँगा। पता नहीं मेरे यूनिट में ये इशू क्यों है। अगर आपने बाय किया पेबल की कॉस्मोस वोग, अगर आपके डिस्प्ले में भी ये इशू आ रहा है, तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे में तो डिस्प्ले में लाइंस आ रही है कभी कभार, और फायरबोल्ट की वॉच में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे AMOLED पैनल अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो गाइस ये थे डीप डाउन कंपैरिजन, यहाँ पे वैसे मेरा वोट जाएगा फायरबोल्ट की एम्परर को। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता है, तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।